बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं हूँ राज, देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 19 से 22 के पार्ट टू के छात्र छात्राएं। कल वाली वीडियो जो मैंने डाली थी उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुए, छात्र छात्राओं ने नेगेटिव कॉमेंट्स भी किए। तो जो चैनल को सपोर्ट करते हैं, जो छात्र छात्राएं इस बात को समझते हैं कि चैनल जो है कि सही काम करती है या जो चीज़ें होती है वो सही से पहुँचाती है आप लोगों तक चैनल के सपोर्ट में, वैसे नेगेटिव कमेंट्स के छात्र छात्राओं ने जवाब भी दिए कल वाली वीडियो में। यह हिस्ट्री के तौर पर आप कमेंट बॉक्स में जा करके देख सकते हैं। कुछ कमेंट्स थे जो कंट्रोवर्शियल थे। मैंने आपको कहा था कल कि लगातार रिजल्ट के ऊपर कोई ऑफिशियल रिपोर्ट वगैरह अखबार के माध्यम से नहीं आ रही है, 3-4 दिन पहले आई थी, उसके बाद से नहीं आई है। मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि आज जो है कि वीडियो बन रही है, कल अखबार में रिपोर्ट आ जाए, और आज अखबार में रिपोर्ट आ गई है। ये रिपोर्ट तो आई है, लेकिन ये मॉर्निंग में रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन मैं हिचकिचा रहा था कि इस पर वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं। लेकिन आप में से बहुत सारे छात्र छात्राओं ने ये रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भेजा है कि कम से कम आप वीडियो तो बनाइए, इसलिए इतना लेट लग रहा है इस वीडियो को आप तक पहुँचाने में कि जो अखबार में आज कहा गया है वो क्या कहा गया है। कभी कभी ये आपको समझना मुश्किल हो जाता है कि अखबार में जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो, या जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जो काम हो रहे वो, या यूनिवर्सिटी के अधिकारी जो बोल रहे हैं कामकाज को लेकर के, क्या तीनों का तालमेल बैठ पा रहा है कि नहीं बैठ पा रहा है। ऐसा बहुत कम ही मायने में होता है कि अखबार में जो रिपोर्ट आती है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जो काम होते हैं या अधिकारी यूनिवर्सिटी के जो बोलते हैं, तीनों में तालमेल होता है, यानी सत्य साबित होता है। नहीं तो अधिकतर मामले में ये देखा जाता है कि काम कुछ और होता है, रिपोर्ट कुछ और आती है और चलता कुछ और है। मैं जो आप तक न्यूज़ पहुँचाता हूँ वो बिना सोर्स के मैं नहीं पहुँचाता हूँ आप तक न्यूज़। सोर्स हमारे या तो अखबार होते हैं, नहीं तो यूनिवर्सिटी द्वारा लेटर पैड पर दिए गए नोटिफिकेशन, या कॉलेज के द्वारा मिली जानकारी, या आप तमाम स्टूडेंट्स जो सवाल करते हैं उसके जवाब के तौर पर मैं आप तक वीडियो देता हूँ। एक वक्त था जब अखबार में कुछ रिपोर्ट आती थी तो उसको 100% सत्य माना जाता था, और यह मान लिया जाता था कि अखबार ने रिपोर्ट किया है तो यह सही और सटीक जानकारी होगी। लेकिन आज का जो प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से रिपोर्ट आती है और होता क्या है। ओवरऑल रिजल्ट के ऊपर जो आज रिपोर्ट आई है, अब इसमें देख लीजिए क्या है कि पार्ट टू रिजल्ट के इंतजार में हज़ारों छात्र, प्रोवीसी को सौंपा गया ज्ञापन, और ये जो हुआ यह कल हुआ। बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक पार्ट टू परीक्षा 21 के रिजल्ट प्रकाशित करने में हो रहे विलंब से छात्रों में भारी आक्रोश है। इसको लेकर के बुधवार को छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रोवीसी से मिल ज्ञापन सौंपा है। जो नेतृत्व कर रहे थे वो छात्र नेता करण सिंह, यहाँ पर उनके नाम दिए गए हैं। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं कि पार्ट टू का रिजल्ट अब तक के नहीं निकाला गया है। दिसंबर में पार्ट थ्री की परीक्षा लेकर के रिजल्ट भी देना है। परीक्षा विभाग जिस रफ्तार से लेकर के रिजल्ट प्रकाशित करने में काम कर रहा है, पीजी के लंबित परीक्षा फल के लिए भी छात्र नेताओं ने प्रोवीसी से वार्ता की। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस ही इनकम्प्लीट है, जिस रफ्तार से परीक्षा विभाग काम कर रहा है तो अगली सेंटेंस अखबार को जो है कि यहाँ पर कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन अखबार ने भी यहाँ पर टेक्स्ट इनकम्प्लीट यहाँ पर पेस्ट किए। तो यहाँ पर एक तो आर्टिकल देना और आर्टिकल में जो चीज़ें लिखी जाती है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वो भी कुछ हद तक कभी कभी इनकम्प्लीट ही होता है। और रिजल्ट को लेकर के आप नीचे देखिएगा तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि छात्र नेताओं ने प्रोवीसी से वार्ता की, उसके बाद से प्रोवीसी ने आश्वासन दिया है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह तक लंबित रिजल्ट को घोषित किया जाएगा। इसमें आप देख पा रहे हैं और छात्र नेता ये लोग थे। अब ये लोग क्या करते हैं, कैसी व्यवस्था है इन छात्र नेताओं की कि यूनिवर्सिटी जो है कि एक भी बात जो है वह सुनने को तैयार नहीं होती है और अपने मुताबिक काम करती है। नहीं तो छात्र नेता में इतना दम होता है कि वो अपने छात्र छात्राओं के लिए लड़े तो यूनिवर्सिटी को उनका बात मानना पड़ता है, समय पर काम करना पड़ता है। खैर जो भी हो, आप देख पा रहे हैं कल ज्ञापन सौंपा गया है और इसमें जो है कि आश्वासन दिया गया है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह तक, यानी अंतिम सप्ताह शुरू होने से पहले भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो मोटा मोटी कहीं से भी ये कन्फर्मेशन नहीं दिया जा रहा है कि रिजल्ट कब जारी होगा। कल जो आपने थंबनेल में देखा था वो हमें एक छात्र ने भेजा था और मैंने जवाब के तौर पर वो वीडियो बनाई थी। अब आप में से बहुत सारे छात्र छात्रा ऐसे होते हैं जो थंबनेल दे करके ही जज कर लेते हैं कि वीडियो में क्या कहा गया। तो एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। आपके पास अगर कॉन्फिडेंस है तो आप ज़िंदगी में बहुत अच्छे आगे आप जाएंगे और सफल भी होंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तो फिर ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। और ये आपके भले के लिए मैं कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखिए। तो मोटा मोटी रिजल्ट के ऊपर जो आज भी रिपोर्ट दिया गया है अखबार के माध्यम से, एक तो इसमें सेंटेंस इनकम्प्लीट है और दूसरा ये है कि कहा जा रहा है कि अंतिम सप्ताह तक, यानी अंतिम सप्ताह को हम जोड़े नवंबर का, तो 25 से पहले का ये आंकड़ा हो सकता है, 25 नवंबर से पहले का ये आंकड़ा हो सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं है। तो कन्फर्म किसी को पता नहीं है रिजल्ट के बारे में कि ये कब जारी किया जाएगा।